यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा आज दिन है तो विधानसभा में पूरा हंगामा हो सकता है, इसके आसार लगातार बने हुए हैं। साथ ही 6 और 7 मार्च को सवालों का सेक्शन रखा जाएगा, प्रश्न किए जाएंगे विधानसभा में। सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से और हलकों से जुड़े मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। 84 सवाल इस दौरान पूछे जाएंगे। विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को सदन में उठाएंगे। तो बड़ी खबर आपको ये दे रखी है, बजट सत्र का कल से आगाज हो चुका है। सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई, जिसमें राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। अपने अभिभाषण के दौरान प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया गया, लिंगानुपात में जो सुधार हुआ उसका जिक्र किया गया, फसलों की खरीद को लेकर उनके मूल्य को लेकर चर्चा की गई, अभिभाषण में उनकी ओर से बात कही गई। तो आज हंगामा हो सकता है क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारियां की हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। कुमार रमेश हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़े हैं। रमेश, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर हंगामा संभव है? आज अगर बात की जाए तो प्रश्नकाल की बात की जाए, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है काम रोको प्रस्ताव लेके आएगी विधानसभा में, और उसके साथ साथ क्योंकि उनका मानना है कि सरकार ने जो आंगनबाड़ियों के लिए वादा किया था वो नहीं पूरा किया। हाँ। सरकार अपने वादे से मुकर रही है और इसीलिए वो काम रोको प्रस्ताव लाएगी। तो ये कल भी जो सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शोक प्रस्ताव पढ़े जा रहे थे, तो उससे पहले कांग्रेस ने ये मांग उठाई कि तुरंत आंगनबाड़ियों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर विषय है कि आंगनबाड़ी जो वर्कर्स हैं वो पूरे चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए हैं और उनको अपने हक की आवाज उठाने के लिए जो है इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आज इस मुद्दे को लेकर के काफी कुछ हंगामा सदन में हो सकता है। और इतना ही नहीं, आज जो इंडियन नेशनल लोकदल के जो नेता है अमित चौटाला, उनका प्रतिपक्ष विधानसभा में, वो भी आज जो है एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि सर ये नदियों के पीछे सरकार की नीति क्या है, सरकार क्या रुख है, आखिर सरकार एसवाईएल का पानी क्यों नहीं लाना चाहती और किस किस देश से जो है अब तक इतना काम हो पाया है। क्योंकि कल भी अगर राज्यपाल ने पढ़ा तो अभिभाषण में साफ तौर पर लिखा था कि एसवाईएल के जो बाकी नहर के निर्माण के लिए सरकार प्रयासरत है और जैसा संभव कोशिश की जा रही है। उन्हीं मुद्दों को लेकर के आज ये माना जा रहा है कि एसवाईएल और आंगनबाड़ी दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज सदन में हंगामा हो सकता है। और तो रमेश, मानकर चला जाए कि किसानों और कर्मचारियों के मुद्दे सदन में हावी रहेंगे? बिल्कुल हावी रहेंगे, किसानों के मुद्दे भी हावी रहेंगे, कर्मचारियों के मुद्दे भी हावी रहेंगे। कई कर्मचारी संगठनों ने कल नेता प्रतिपक्ष से भी मुलाकात की थी, तो आज ये माना जा रहा है कि जो बजट का दूसरा दिन है वो आज हंगामेदार है। जी कुमार रमेश, साथ ही कल सीएम की ओर से कहा गया था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए क्या किया गया, वो उसकी बात उस बात का जवाब सदन में देंगे। रमेश, बिल्कुल, देखिए आंगनवाड़ी वर्करों के बारे में जब विपक्ष ने इस प्रकार का सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल साफ है, उन्होंने पहले उनकी बातें मान ली है, उनकी मांगे मान ली है, लेकिन जो बार बार विपक्ष के लोग जो आवाज उठा रहे हैं वो कल सदन में इसका जवाब देंगे। ठीक है, हंगामा एक और है। साथ ही रमेश, अगर पूरे दिन की बात कर ली जाए, पूरे दिन की कार्यवाही में क्या कुछ रहेगा? देखिए पूरे दिन की कार्यवाही शुरू में प्रश्नकाल लगाया, पहले प्रश्नकाल होगा और उसके बाद प्रश्नकाल के बाद सदन की कार्यवाही आगे शुरू होगी और उसमें जो चर्चा का विषय है वो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियों के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस से लेलो जो है सदन में चर्चा कराने की मांग उठाई है, जो कल भी मांग उठा रहे थे और आज भी मांग उठाएगी। अब ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना समय देते हैं और अगर उस पर चर्चा हुई तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पूरे इस चर्चाक्रम को ऐसे विकसित करने की कोशिश करेगी। सरकार ने आंगनबाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया क्योंकि उनको लगता है कि महिलाएं अभी भी आज भी कट्टी, किसानों के संबंध में भी आज ये मांग उठे क्योंकि कई किसान नेता जो है अभी भी जेलों में बंद है और पिछले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहे थे और सरकार कह रही थी कि अपने स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो काफी हद तक लागू कर दी है, क्योंकि भाव भरपाई भावांतर योजना जो थी उसको भी सरकार ने लागू कर देने के किसानों को राहत देने कुछ किस प्रकार की योजना है जिसके बारे में सरकार आज कहीं ना कहीं विपक्ष के सवालों का जवाब सदन में दे। ठीक है, तो कुमार रमेश, ये भी एक तरफ से समझाई जा सकता है कि मुश्किलों भरा ये दौर है सरकार के लिए इस बजट सत्र को लेकर। एक तरफ किसान जो है मुखर हो चले हैं, एक तरफ कर्मचारी जो है सड़कों पर हैं, तो काफी मुश्किलें सरकार के सामने। देखिए अगर हम बात करें तो ये लगभग उनका एक प्री बोर्ड एग्जाम जो है सरकार का आ गया है, क्योंकि लगभग 3.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। अब ये जानना चाह रहा है विपक्ष की आपने जो वादे किए थे उसको कितना पूरा किया, तो ये प्री बोर्ड एग्जाम की तरह उनसे सवाल पूछे जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि सरकार का जवाब वाकई प्री बोर्ड जैसा होता है या
वही जो उन्होंने पिछले जो अपने योजनाओं के बारे में गिनवाया है वो बताएंगे। जी रमेश, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो प्री बोर्ड जिस तरह से एग्जाम होते हैं, वही स्थिति वही सूरत सरकार के सामने पेश आ रही है। किसान जोखिम सड़कों पर हैं, कर्मचारी जोखिम सड़कों पर हैं, विपक्ष के पास ये बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को आज घेरा जाएगा। तो बड़ी खबर दी आपको चंडीगढ़ से, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को लेकर। चलिए रुक कर